सोचिए जरा, जिस गांव के 100 परिवारों में मातम छाया हुआ है, उनकी आवाज भी बहरे सिस्टम को सुनाई नहीं दे रही है। बिहार के गांव अगर भगवान भरोसे हैं, तो यूपी के गांव के हालात भी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। कहीं जांच नहीं हो रही तो किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही और किसी के सामने भूखे मरने की नौबत है। हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा यूपी के गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, ताकि आफत के इस दौर में गांव की सही और सच्ची तस्वीरों से सरकार और सिस्टम को रूबरू कराया जा सके। देखिए बरेली के गांव से ये खास रिपोर्ट। यहाँ पर लगभग 15 मौतें हुई हैं। ऐसे ही चला रहे हैं साहब, 100 का खर्चा है तो 50 मकान चला रहे हैं। इस बार गांव के हालात ऐसे हैं कि हर किसी के चेहरे पर शिकन आपको साफ नजर आएगी। हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के लोग अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली के क्यारा गांव के हालात भी कुछ ऐसे हैं। पिछले एक महीने में 15 मौतें यहां पर हो चुकी हैं, और शायद यही वजह है कि गांव के लोग अब ये समझ रहे हैं कि आखिर ये महामारी से निजात उनको कब मिल पाएगी। वो ये भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है और हो सकता है कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा मुश्किल हो। पिछले एक महीने में कितनी मौतें लगभग आपके गांव में हुई हैं? यहाँ पर लगभग 15 मौतें हुई हैं। 15 मौतें जो कि उम्र दराज लोग थे, कुछ पैरालिसिस वाले थे और ज्यादातर 70-80 साल 65 साल के लोग ऐसे थे। कभी ऐसा हुआ है इससे पहले कि एक महीने में इतनी मौतें? कभी आपसे नहीं, बड़ा गांव है, होती तो रहती हैं। जैसे काफी बड़ा गांव, 10,000 की लगभग आबादी है, तो मौतें तो होती हैं, होती रहती है। इतनी मौतें नहीं होती? हाँ, इतनी एकदम नहीं होती जैसे एक महीने के अंदर। 10-15 मौतें हुई पहले, क्या कहते हैं इस चक्कर में, और कोई कहीं घर से निकलना भी नहीं चाह रहे थे। स्थिति खराब हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं थी इलाज के लिए, लोगों को बुखार आ रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, इस चक्कर से गांव के हालात बिगड़े हुए थे। डर लगता है कहीं बीमारी हो जाए, कोरोना फैल रहा है, ऊपर से बीएम में पैसा नहीं है, कहाँ जाओगे इलाज कराने? अब कहाँ जाए, कभी बैठना है, जब तरीका मजबूरी मजबूरी है, जब कोई व्यवस्था नहीं। एक अनजानी बीमारी दबे पांव आई और महीने भर के भीतर इस गांव के 15 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। मौत का तूफान तो धीरे धीरे थमने लगा है, मगर लोगों के जहन में डर का वो दौर अब भी जस के तस जिंदा है। एक तरफ जान बचाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ अपने कुनबे का पेट भरने की जिम्मेदारी। छोटे कारोबारियों का कारोबार तो माने खत्म ही हो गया है। गांव में सबसे बड़ी समस्या इस बार जो रही वो रही रोजगार की। लॉकडाउन के बाद लोगों के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा, ऊपर से बीमारी। अब सोचिए करे तो क्या करे। गरीब आदमी इस बात से परेशान था कि वो बीमारी से लड़े या फिर गरीबी से लड़े। पिछले एक महीने में जो हालात बने, जितने पहले कमाते थे क्या उतना कमा पाए या फिर नहीं कमा पाए? ना ना ना, उतने कहाँ कमा पाए। हम तो यहाँ भिंडी बेचते हैं, यहीं अंत कहीं नहीं जाते। 10 की बिके तो 50 ही बिके तो बस। तो लोग आते थे खरीदारी इस बार या बहुत कम? बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम। तो का खर्चा कैसे चल पाया इस बार? ऐसे ही चला रहे हैं साहब, 100 का खर्चा है तो 50 में काम चला रहे हैं अपने। पैसा ना, खर्चा कहाँ चलाऊंगे, आधे आधे चला रहे हैं, क्या करें। क्या रहा इस बार चाचा? अरे साहब, लॉकडाउन के मारे जो 50 की 100 की जो बिक पाती तो नहीं है, और क्या करें, जैसे गुजार हो रहो। पैसा टका है ना कुछ, ऐसे जैसे कोई तुरैया बना लें, कोई लोग बना ले, ऐसी साठ सब्जी ऐसी चल रही है, कुछ बना है। हाँ, बहुत हिसाब किताब खराब है, कहीं बाजार वजार लगना रहे, कहीं हिसाब किताब कर गाँव गाँव अब यहाँ धर के बैठ जा रहे, कोई आज आधे किलो बारो, कोई एक किलो बारो, कोई बिक्री। कितना कमा पा रहे हो पिछले कुछ दिनों? अरे पहले से आधा आधा हो गया, पिछली साल से सब ज्यादातर उधार हो रहा है। दूध वाले आते वो भी कहते हैं बरेली पैसे नहीं मिलते हैं, गांव के लोग आते वो भी कहते हैं अब कहाँ से पैसे लाएं, कोई समस्या नहीं है, कोई आमदनी दूसरी है नहीं, जो बाहर चले जाए मजूरी करने वो भी नहीं होती है, सारी समस्याएं समस्याएं हैं। सब काम गोल पर है, पैसा भी कहाँ, मतलब हम जो चीज हमारी 20 रुपए में बिक रही थी वो 10 रुपए में बिक रही है। और का ग्राफ पैसा नहीं, पैसा उसी के पास पैसा नहीं तो हमें कहाँ से दे। पैसे फंसे हुए बहुत चल रहे हैं, ग्राहक कह रहे हैं हम कहाँ से ला के दें, बताओ। लॉकडाउन चल रहा है, हम कहाँ से ला के दें।
पैसा फंसा हुआ चल रहा है, दूध तो देना ही देना, ऐसा तो है नहीं घर पे रख के खराब करोगे। किराने वाले की कमाई कम हो गई, दूध वाले की उधारी ज्यादा हो गई, सब्जी वाले की आमदनी सिमट गई। महामारी अलग अलग लोगों को अलग अलग जख्म दी गई है, जैसे अब सभी को उम्मीद उस दिन के आने का है जब बीमारी खत्म होगी और इन्हें इनकी पुरानी जिंदगी वापस मिलेगी। वैक्सीनेशन कितना हो गया लगभग आपके गांव में? वैक्सीनेशन तो ऐसे समझ लो 50% तक हो गया है, और बाकी कुछ लोग लगावाना ही नहीं चाहते, डर रहे हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर उन्हें समझाना। पहले डर रहे कि बुखार आ जाता है, इसलिए क्या कहते हैं वैक्सीन लगवाने से कहीं मर ना जाए, ये बहम है। तो कोरोना से बच जाएंगे, वैक्सीन लगवाने से बच जाएंगे। कहीं भगवान जिन्हें लगवाई वो बोलते ना, वो बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं बुखार आता है, ये है समस्या है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि जागरूकता की कमी है? हाँ, जागरूकता की थोड़ी कमी है ना, जागरूकता की कमी है। अगर लोगों को समझाया जाएगा तो शायद लोग समझ जाएंगे, है ना। प्रधान जी, आपको लगता है कि जागरूकता की कमी के कारण भी? जागरूकता की कमी काफी है, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई टीका लगवाओ, इससे आपको कोरोना से बचाव होगा, लेकिन लोगों का उल्टा डर बैठ गया है कि इंजेक्शन लगाएंगे बुखार आएगा, इससे लोग मर रहे हैं। गांव में वैक्सीनेशन के आंकड़ों की जानकारी लेने हम सेंटर पहुंचे तो मुसीबत के इस दौर में ये तस्वीरें थोड़ी राहत देने वाली लगी। अच्छी बात यह है कि गांव के लोग बड़ी तादाद में अब वैक्सीन लेने यहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं क्यारा गाँव में हूँ, बरेली के गाँव है, और अभी यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में तमाम लोग भीड़ लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लग जाए, और यही कोशिश है लगातार सरकार की, ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, और उसी प्रयास में लगातार जो है गांव-गांव में देहात में इस प्रकार के सेंटर्स बनाए गए हैं। तो पहली सवाल मेरा यह है सर कि बरेली के अंदर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, और इस जगह अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? देखिए, ये डिटेल जो है वो MYC साहब आपको बताएंगे, पहले मैं अपना परिचय दे दूंगा आपको। मैं नोडल अधिकारी हूँ कोरोना का, और शासन में विशेष सचिव हूँ। तो हम लोग आकस्मिक रूप से किसी न किसी CSC का PSC का दौरा करते हैं, इसके अलावा गांव में जाके भ्रमण करते हैं, लोगों से वहां की स्थिति का जायजा लेते हैं। तो आज ऐसा कि CSC मैंने अभी देखा, यहां 18 प्लस में 100 लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, और 8 लोगों को 45 प्लस में वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा जो आने वाली तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने यहां की तैयारियों का जायजा लिया है। देर से ही सही, मगर सरकार का हेल्थ सिस्टम अब गांव की सुध ले रहा है, इससे उम्मीद बंधती है कि आज नहीं तो कल इन गांवों के हालात थोड़े बेहतर होंगे। वक्त हर गम का एहसास कराता है, वक्त ये बताता है कि अभी समय अच्छा नहीं है, थोड़ा ठहर जाओ, हो सकता है कि आने वाला पल बेहतर हो। गांव के लोग भी इस इंतजार में हैं, वो जानते हैं पिछले एक महीने में जो कुछ भी गुजरा वो कभी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए आने वाले वक्त का केवल इंतजार करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24, बरेली, उत्तर प्रदेश।